सात्विक आहार करें, जो ऋतु की सब्जी है उसी का प्रयोग करें, ऋतु के फल का ही प्रयोग करें, जो ऋतु का नहीं है उस फल का प्रयोग न करें, जो केमिकल आदि डाल करके बहुत वर्ष महीने दो महीने चार महीने तक बाद में भी चलाए जाते हैं। अब जैसे ऋतु नहीं है किसी फल का और वो फल है तो वो हमारे योग्य नहीं है। ऋतु का फल भले हो जिसे आंवला या कोई भी ऐसा आपको खट्टा नहीं लग रहा तो आपके ब्रह्मचर्य की हानि नहीं होगी, क्योंकि ऋतु का फल है और प्रकृति वैसे ही देती जैसे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फल या कोई भी सब्जी ऋतु के अनुसार पाए, ऋतु के प्रतिकूल कोई भी सब्जी जो क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर में है, हाँ कोल्ड स्टोर उसमें रखी वाली ना पाए, मतलब ताजी ताजी जो ऐसा कोई भी भोजन ऐसा पाए जो पचने में हल्का हो, जो मधुर हो, प्रिय हो। गेहूं की रोटी, चावल, जौ की रोटी, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, गाय का थोड़ा घी, चीनी, सेंधा नमक, शकरकंद और शुद्ध ऋतु के फल व सब्जी, ये आहार कभी आपके ब्रह्मचर्य को दूषित नहीं होने देगी, पर्याप्त है। अब अगर बढ़िया ये सात्विक आहार मिले तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी, और राजसी आहार जाते ही काम का अंदर स्फुरण होने लगेगा, अत्यंत उष्ण गर्मा गर्म एकदम निकल रहा है गर्मा, नहीं साधक को पाना, जब तक धुआं निकलता हो तब तक नहीं पाना, धुआं थोड़ा निकल जाए वो एकदम नहीं, लोग निकलते हैं एकदम गर्मा गर्म, ये साधक के लिए ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक। कड़ुआ एकदम कड़ुआ बिल्कुल नहीं पाना, एकदम तीखा नहीं पाना, बहुत नमक पड़ा हुआ नहीं पाना, अत्यंत मीठा अधिक मीठा नहीं पाना, रूखा एकदम नहीं पाना, चटपटा नहीं, खट्टा आम की खटाई ये खटाई नहीं, और अधिक तेल युक्त, दोष युक्त, गरिष्ठ पूड़ी कचौड़ी मालपुआ समोसा ये नहीं। जो कचौड़ी पूड़ी मालपुआ ये लाल मिर्च बिल्कुल नहीं, हींग नहीं, विशेष तेल का प्रयोग नहीं, प्याज लहसुन का तो किसी भी तरह से प्रश्न नहीं, गाजर नहीं, उर्द नहीं, सरसों का अधिक सेवन नहीं, कोई भी मसाला नहीं, मांस मछली कछुआ अंडा शराब चाय काफी कोकीन चरस चंडू ये सब नहीं। ये आहार पाते ही आपको चंचल बना देगा, कामी बना देगा, क्रोधी बना देगा, लालची बना देगा, पापी बना देगा, आप पाके देख लीजिए पक्का। जो ये अत्यंत उष्ण कड़ुआ तीखा नमकीन अत्यंत मीठा रूखा चटपटा खट्टा तेलयुक्त दोषयुक्त गरिष्ठ पूड़ी कचौड़ी मालपुआ खट्टा लाल मिर्च तेल हींग प्याज लहसुन गाजर उड़द सरसों मसाला मांस मछली कछुआ अंडा शराब काफी डाफी और कोकीन और चरसो चंडू और सभी सब ये सब पाने वाले कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, इनसे निश्चित पाप के आचरण बनेंगे, रोग शोक दैन बढ़ेगा, आयु तेज सामर्थ्य सौभाग्य नष्ट होगा। राजसी पुरुष कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, और तामसी राजसिक आहार भी मिलता है तामसिक आहार में, जब अधिक मात्रा में गर्मा गर्म पाया जाता है तो तामसिक ही हो जाता है। इसके अलावा जो बासी भोजन है, जो रसहीन भोजन है, जो दुर्गंध युक्त भोजन है, जो जूठा भोजन है, सड़ा हुआ भोजन है, जिस तेल में कई बार पकवान बनाए गए हो उस तेल में बना हुआ, ये सब तमोगुणी भोजन है। भले एक बार निकल गया दो बार निकल उसी में निकाल, अब दुकानों में तो यही होता है, उसमें थोड़ी एक बार निकाल के वो घी हटा दिया या तेल हटा दिया, वो तो जब तक उसमें जान रहेगी मक्खी भी गिरी तो पड़ी रही 24 घंटा, दूसरे दिन छन्नी से निकाल लिया उसका भी रस उसी में गया और बन के गरम गरम जलेबी आए बोले जय राधा वल्लभ लाल के चक्रपात, बहुत संभल के भाई। एक घी या तेल के पदार्थ जो जिससे कई बार निकाला जा चुका है वो पकवान तमोगुणी हो जाता है, घृणित हो जाता है, निंदनीय हो जाता है, उसे नहीं पाना चाहिए। तामसिक आहार बिल्कुल ब्रह्मचर्य के लिए घातक है और राजसिक आहार भी। तामसिक आहार पाने वाला वो राक्षस बन जाता है, उसके अंदर पूरी राक्षसी वृत्ति होती है। ऐसा पुरुष सदैव रोगी दुखी बुद्धिहीन क्रोधी लालची आलसी दरिद्र अधर्मी पापी और अल्पायु होता है। जो हस्त क्रिया के द्वारा वीरपात करता रहता है वो अकाल मृत्यु को निश्चित प्राप्त हो जाएगा, मरेगा।
क्योंकि महत अपराध बन रहा है। मत समझो कि अपराध नहीं बन रहा, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, उसके अंदर ऐसे भयंकर रोग पैदा हो जाएंगे, परेशान हो जाए, डरो डरो, वैसे ही मरना है, काय को ऐसे मर रहे हो। राधा राधा रटो, नियम से चलो, एक बार निश्चय कर लो मुझे हर जलन सहना है प्रभु की प्राप्ति के लिए, मैं हर कष्ट सहूंगा, ऐसा भाव कर लो। और फिर सात्विक भोजन भी जब पा रहे हो तो विचार बिल्कुल ठीक होने चाहिए। भोजन पाते समय कोई ऐसा दृश्य जिससे आपके विचार गंदे हो, कोई ऐसा पढ़ना जिससे विचार गंदे हो, कोई ऐसी वार्ता करना या कोई अंदर ही अंदर विचार गंदे करते हुए सात्विक आहार भी पाओगे तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी। महापुरुषों ने ये अनुभव करके बताया है, भोजन पाते समय जो विचार होता है उससे रस बनता है, रस उसी रस में आपके भाव जाते हैं, वही भाव आपकी नस नाड़ियों में जाकर के वैसे पूरे शरीर को प्रभावित कर देते हैं जैसे भोजन पाते समय हम विचार करते हैं। इसलिए बहुत सावधान, भोजन पाते समय यदि आपके पास चिंतन की भाववृत्ति नहीं तो आप बाहर से सत्संग लगा दीजिए, कीर्तन लगा दीजिए और उसको सुनते हुए प्रसाद पाए, बहुत बढ़िया। ये तो देखो कलयुग भगवान की कितनी कृपा है, भोजन पा रहे हैं कोई महात्मा बोल रहा है, सत्संग आप बैठे सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया है। यंत्र का आजकल तो बहुत बड़ी कृपा है। अगर कुछ नहीं तो नाम कीर्तन लगा दीजिए, प्रसाद पा रहे, नाम कीर्तन चल रहा, चतुराशी जी के पद चल रहे, ठाकुर जी की कोई वार्ता चल रही और हम प्रसाद पा रहे तो हमारा सारा चिंतन सुनने में गया और प्रसाद पा रहे वो हमारे अंदर भागवतिकता प्रकट करेगा। जो साधक ब्रह्मचर्य रहना चाहता हो, सबसे पहली बात है वर्णन किया गया था कि एक बार भोजन, किसी ने प्रश्न किया कमेंट में कि एक बार भोजन तो शाम के दूध और कुछ फलाहार चल जाए। वैसे हमारी राय एक बार भोजन की नहीं है, अपने अपने भाव होते हैं। हमारी राय है आप भले दो बार पाइए लेकिन आपका प्रिया प्रीतम से चिंतन हटके भोजन में न जाए। प्रिया प्रीतम आप एक बार पाते हैं 14 रोटी दबा के पा लिए तो ठीक नहीं है, आप उसे साथ साथ कर लीजिए, छह छह कर लीजिए, तीन तीन कर लीजिए, जितना आपसे बन जाए। भोजन का चिंतन नहीं होना चाहिए, भजन में भोजन विक्षेप ना बने, ना तो भूखे रहने में ना छके रहने में, ये साधक को खुद देखना है। और शरीर शरीर की बात, बोले दो ही रोटी पानी है और वहां दो रोटी छुन्न से हो गई, पता ही नहीं चला कहां गई। हर चिंतन बन रहा कि कब 6 बजे दो और मिले। भैया हमें ऐसी साधना में कोई भी लगाव नहीं है, दो की जगह चुपचाप 4 डाल लो, राधा राधा जपो 6 घंटे 8 घंटे, फिर आवे तो फिर 2 डाल लो, इसमें कोई हानि नहीं होने वाली। लेकिन उसका चिंतन बने वो हानि का, जैसा हमें कुछ संतों से भी सुना और कुछ अपने भी हृदय की बात कि बड़ी शीतलता मिलती है जब प्रभु का चिंतन होता है और बड़ी जलन होती जब विषय का चिंतन होता है। यदि रोटी का चिंतन हो तो ऐसा व्रत आग लगे, हमें नहीं चाहिए वो व्रत, हमें श्री जी का चिंतन चाहिए। तो थोड़ा ये देख करके कि आपका चिंतन भोजन का ना हो, इतना भोजन ना बहुत कम हो, युक्ताहार क्यों प्रभु ने लिखा है, इसीलिए लिखा है। 2 समय भोजन बहुत बढ़िया रहता है। पहला भोजन 10 से लेकर 1 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, इसके पहले कोई भी चाय नाश्ता ये सब नहीं होना चाहिए, पक्का। 2 बार तो फिर 2 ही बार है, आपको जो भी पाना है वो सब लेके, हमने ऐसे संतों के दर्शन भी किए हैं कि जैसे किस कोई कुछ दे रहा है और उस आश्रम में है तो लेके रख लिया, लेकिन पाएंगे वो 1 बजे ही, बीच में नहीं कि जो मिला वो बताते ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में बंदर की तरह मुंह चलता रहे, साधकों का नियम नहीं है, उसे रख लीजिए। आप 2 ही बार पाए तो सिर्फ 2 ही बार पाए, 1 बार पाए तो सिर्फ 1 बार पाए, जो भी पाना है 1 बार पाए, जो भी पाना है 2 बार पाए, वो नियम आप रखें। दिन का भोजन 10 से 1 बजे के बीच में हो जाना चाहिए और रात्रि का भोजन 8 बजे के पहले ही हो जाना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, 8 बजे के बाद उसमें पचने में दिक्कत पड़ेगी, कब्ज बनेगा, ब्रह्मचर्य घातक बात होगी। यदि आप एक बार भोजन करते हैं तो सर्वोत्कृष्ट बात है, पर 2 बार भोजन करें तो आप देख लीजिए 10 से 1 बजे के बीच दिन में और रात्रि में 8 बजे के पहले। और जब आप भोजन पालें तो 30 मिनट जरूर टहलें, शरीर स्वस्थ रखना है, भजन करना है तो ये करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप कब्ज हो जाएगी, फिर परेशानी है, खाके एकदम सहन नहीं करना, 30 मिनट टहलना है। रात्रि में दूध पीना है तो या तो बहुत ही कम गर्म एकदम और या एकदम ठंडा, अगर आपको लगता है थोड़ा गर्म हो तो बिल्कुल थोड़ा ही गर्म होना चाहिए, अधिक गर्म दूध पी के सहन करने से वो ब्रह्मचर्य का नाशक अर्थात स्वप्न आदि दोष प्रकट करने वाला होता है। चीनी मिलाने की जरूरत नहीं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हो तो बहुत कम चीनी मिलाकर ही प्रयोग करें, वैसे जरूरत नहीं है। गर्मा गर्म रात्रि में ना भोजन पाना है ना कोई पेय पदार्थ पीना है,
गर्मा गर्म ना तो भोजन पाना है और ना कोई पेय पदार्थ पीना है। अगर आप गर्मा गर्म कोई पदार्थ पी के शयन करते हैं तत्काल, तो निश्चित आपके ब्रह्मचर्य की हानि हो जाएगी। सावधान रहे, ताजा सात्विक और ना गर्म ना बासी ऐसा भोजन कीजिए। और रात्रि में हल्का हल्का गर्म या ठंडा दूध ले सकते हैं जो जरूरत हो, नहीं दूध की साधक को जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए हम मना नहीं करते, पर है नहीं जरूरत। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि अपना कोई और कार्य है नहीं, भजन साधन और संयम नियम तो उतने में ही इतनी सामर्थ्य है कि दूध की जरूरत बिल्कुल नहीं, वस्तुता नहीं जरूरत है। पर यदि आपको जरूरत हो तो ले सकते हैं गाय का दूध आधा लीटर, वो भी रात्रि में शयन के पहले, जो इतना गर्म हो कि मतलब आपको लगे कि हाँ ठीक है। अगर अधिक गर्म हुआ तो आपके ब्रह्मचर्य में हानिकारक है। यदि रात्रि में आपको थकान हो रही है, आपको लगता है मैं तत्काल शयन कर जाऊंगा, तो ना भोजन पाना है ना दूध पीना है। अगर रात्रि में आप बहुत थके हैं तो ना भोजन पाना है ना दूध पीना, आप शयन कर जाइए, सुबह भले ले लीजिए। अगर आप थकान के साथ भोजन और गर्म दूध पी दे और तत्काल लेट गए, तो फिर उसमें आपके संयम में बाधा पड़ने की संभावना है। भोजन के समय आप मौन भगवत चिंतन करें या भगवत विचार करें या भगवत चर्चा सुने। किसी भी तरह से आपके भोजन में अधिक नमक मिर्च मसाला ये और मिठाई और किसी भी तरह का कोई नशा या कोई चंचलता पैदा करने वाले पदार्थ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। भोजन के समय पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए। यदि आपको प्यास लगती है तो भोजन के पहले आधा घंटा एक घंटा पहले एक गिलास ले लीजिए, और भोजन के एक घंटा आधा घंटे बाद ले लीजिए। उत्तम बात है एक घंटा, लेकिन ना से बहुत आधा घंटा, लेकिन भोजन के बीच में जल लेने का विधान नहीं है, जो वास्तविक नियम से चलना चाहिए, तभी लीवर खराब हो जाता है। और एक कोरा पाया आधा लीटर पानी, फिर वो तो सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसा अपने लोगों ने 20 वर्ष से अभ्यास किया है, पूरा भोजन हो जाएगा, एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है। भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के एक घंटा बाद या एक घंटा पहले पानी ले लेना चाहिए। भोजन के पहले हाथ पैर और मुंह धो करके पूरे पवित्र हो करके फिर भोजन पाने बैठना चाहिए। भोजन नियमित समय पर नियमित, अर्थात चार रोटी तो चार ही नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए कि आज भूख ज्यादा लगी छह कर लो, नहीं, नियमित आहार नियमित होना चाहिए। वो भूखे रहो भजन करो बढ़िया रहेगा, जितना एक नियम बना लो भोजन का उतना। राह चलते हो भोजन नहीं पाना, खड़े होके भोजन नहीं पाना, लेट कर भोजन नहीं पाना, अनुचित चिंतन करते हुए भोजन नहीं पाना, अनुचित क्रिया जहां हो रही वहां देखते हुए भोजन नहीं पाना। प्रातःकाल बिना कुल्ला किए जल पीने का अभ्यास बनाए, बिना कुल्ला के आप शयन करके उठे, नाम जप किए और ऊषा पान उसे कहते हैं, वो आयुर्वेद के अंतर्गत है, वो आपके उदर में बड़ा लाभदायक रहेगा। वैसे तांबे के पात्र में जल रख ले रात्रि में, और उसके बाद सुबह उठे बिना कुल्ला किए और वो पानी पिए, तो आपके उदर में बहुत लाभदायक होगा और अपने साधन में सहयोगी होगा। जहां प्रसाद पा रहे हो वो पवित्र स्थान हो, अगर दृश्य हो तो भगवत छवियां लगी हो या संत महात्मा हो। भोजन के समय ऐसे दृश्य ना होना चाहिए जिनमें मन अटक कर काम का संकल्प कर बैठे। आप मध्यान्ह में भोजन के बाद 100 कदम चाहे चले, 15-20 मिनट ले दे, इसके बाद भजन में बैठ जाए, ये मध्यान्ह। और शयन में एक घंटा पहले ही आपका भोजन दुग्ध हो जाए, टहले भजन करें फिर आप शयन करें। मध्यान्ह में 15 मिनट विश्राम के लिए आज्ञा होती है, 15-20 मिनट आप अपने महापुरुषों को देखा है कि ऐसा करते हैं, 15-20 मिनट लेट लिए फिर अपने साधन भजन में लग गए। यदि रात्रि में नींद पूरी नहीं होती है, आप 2-3 घंटे तो 1 घंटे विश्राम कर लीजिए। यदि रात्रि में आपका पर्याप्त विश्राम हो जाता है तो 15-20 मिनट मध्यान्ह में कर लीजिए। आपका जल स्वच्छ होना चाहिए, आप जब स्नान करें तो गीजर के पानी से न करें। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखना है तो हम ये नहीं कह रहे कि पैसा बचाने के लिए गीजर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रोज गीजर से पानी से नहाएंगे आपकी त्वचा कमजोर हो जाएगी और आपकी सप्तम धातु शक्ति मतलब कठोर ना होकर के द्रवित हो जाएगी। आपको ये दोष देखना पड़ेगा अपने जीवन में यदि आप गीजर से बराबर स्नान करते हैं। संत महात्मा सीधे धाराओं में क्यों नहाते थे, एकदम ठंडा। आप नहा के देखो यमुना जी में सुबह सुबह जब गंगा में स्नान करते थे तो एक डुबकी लगाने के बाद लगता था सर है कि नहीं है, खोजना पड़ता था कि सर है कि नहीं है, एकदम ठंडा और एक नया एक जीवन, नया एकदम ठंडा। अब 20-30 मिनट कमर से ठंडे जल में तो अपने आप वो सब संयम नियम बने, और यहाँ गीजर से पता नहीं चलता सर्दी है कब, कब लगी सर्दी,
बढ़िया गरम कपड़ा, गरम कम्बल हो, बगल में एक कमरे में ही बाथरूम शौचालय हो, बगल हो, गीजर से स्नान कर कम्बल, तो पता नहीं चला सर, सर्दी लगना अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य के लिए, सर्दी लगना अति आवश्यक, शरीर को मतलब ठंडी लगना अति आवश्यक है। शरीर जितना ठंड रहेगी त्वचा मजबूत होगी, ब्रह्मचर्य आपका ठीक होगा, और ब्रह्मचर्य ठीक होगा तो आपका सुहाएगा ही नहीं, महंगे महंगे कपड़े और गीजर अच्छा ही नहीं लगेगा, वो एक नशा हो जाता है, उसमें इतनी सामर्थ्य हो जाती है, पर जितना ऐसा नहीं कि कल से जुकाम बुखार हो जाए कि भाई ब्रह्मचर्य रहना है तो यमुना जी में सुबह 4 बजे थोड़ा देख के अपने संयम में। दिन भर में 3 लीटर पानी से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लघु शंका, पसीना, भाप, सब बहुत चीजें पानी से शरीर के कूड़ा करकट निकलते हैं। कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, उससे गर्मी क्षय होती है, बहुत से दोष नष्ट होते हैं, पेशाब, पसीना, भाप आदि के रूप में आपके शरीर से पानी निकलता रहता है। आप ऋतु के अनुसार पानी और बढ़ा सकते हैं, पर 3 लीटर से कम नहीं। और यदि आपको कब्ज की बीमारी तो तत्काल आप उस पर सात्विक उपाय कीजिए, कब्ज शरीर में बना न रहे, क्योंकि कब्ज रहने से हमारे ब्रह्मचर्य में जरूर दोष उत्पन्न हो जाएगा। जब आप जल पिए तो वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे जल पिए, स्वाद लेते हैं, एकदम घटक के 1 मिनट में 1 लीटर पी गए ऐसा नहीं, आराम आराम से पीजिए, धीरे धीरे से भगवत चिंतन करते हुए। प्यास जितनी भी अधिक जब लगे तब पानी पियोगे तो आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाएगी। प्यास लगी नहीं है और आप पानी तो ऐसा भी है। अब इतना ध्यान रखना है कि सुबह उषा काल में इतना जल पीना है कि एक बार बमन करने की इच्छा हो जाए, बहुत बढ़िया लाभ की बात बता रहे। एक बार इतना पानी पिए सुबह कि ऐसा लगता है उल्टी हो जाए, भले ना हो, अगर हो जाए तो और बढ़िया बात है, थोड़ा और सहारा दे दीजिए, अंदर की गर्मी निकल जाएगी, साधक को साधना करने में बड़ा सहयोग मिलेगा। सुबह पानी जरूर खाली पेट पिए, फिर प्रसाद पान जितना मांगे उसके अनुसार, 3 लीटर तो बहुत सरल बात है। ब्रह्मचर्य के लिए पानी अति आवश्यक है, कब्ज निवारण के लिए पानी अति आवश्यक है। जो जल का सेवन नहीं करते हैं उनके पेट में जरूर कब्ज होती है, उनकी गर्मी बनी रहती है और स्वप्न दोष रूपी शिकायत उनमें ज्यादा बढ़ने लगती है। आप सावधान हो करके ना तो ऐसा करें कि बिल्कुल भूखे रहे, ना तो ऐसा करें कि बिल्कुल छके रहे, ये भी ब्रह्मचर्य में घातक है। एकदम भोजन छोड़ दिया 2-4 दिन तो वो सिस्टम नहीं संभाल पाएगा, एकदम आपने अधिक बार वो एक नियम धारा से चली, ये अनुभव की बात है। आज एकदम 20 रोटी पा ली, 4 दिन एकदम नहीं पाया तो वो आपके ब्रह्मचर्य पर प्रहार करेगा, आपके जरूर जरूर किसी न किसी तरह से छह, बहुत सावधानी, ये साधना है, उपासना है, बहुत सावधानी। आप खड़े खड़े कभी पानी न पिए, लेटे हुए पानी न पीजिए, क्योंकि खड़े पानी पीने से और लेटे पानी पीने से शरीर में रोग होने की संभावना है। प्रातः काल उठते ही तांबे के लोटे में रखा हुआ रात भर का बासी जल पीने से बड़े बड़े रोग शांत हो जाते हैं, मन प्रसन्न होकर भजन में लगता है। आप भगवत मार्ग के पथिक हो या संसार मार्ग के पथिक हो, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।